मैं मंगतराम पासला, जनरल सैकटरी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, ये जिथे सारे लोगों से उत्साह आ उत्थे उन्होंने देशभक्त भी बहुत बड़ी श्रद्धा होंगी है जिन्होंने सानू ये दिन दिखाया। आज के दिन ही इस देश के दे आज़ादी लड़ाई तो बाद सब तो वड्डे किसान अंदोलन दे जिन्हों चलदियां नूं पिछले कई महीनों तो वो चल रहा जिन्हें भारत नहीं कला बल्कि दुनिया भर में लोगों का ध्यान खिंचया। उस सांझे किसान अंदोलन दे कमेटी ने दिल्ली अज रिपब्लिक दिन के उत्ते किसान मार्च परेड करने का फैसला किया और ये लोगों का उत्साह दसदा भी किस तरह सारे देश के किसान ट्रैक्टर नाल साइकलों नाल पैदल उस किसान मार्च में शामिल हुए है और ये मार्च पूरी तरह अनुशासनबद्ध सी, अनुशासन के अधीन सी और अमनपूर्वक अपनी मंग नूं उठाउणा सी। लेकिन इस समय दौरान ही कुछ दिल्ली मनभागियां घटनावां हुई हैं। जिहड़ा किसान कमेटी नाल सांझा रूप तय होया सी और जिते मंजूरी हुई सी उस रूट तो पहला ही एक दिन एक अद्धी किसान जथेबंदी ऐलान करता सी भी सानू ये रूट मंजूर नहीं, असी पुलिस दिल्ली ना बह के वखरा रूट भी बनावांगे, सलाह मशवरा वखरा करांगे। वो बंदे सरकार नूं पता है, सरकार नाल गलबात की उन्होंने ऐलान करके की है, कोई लोग के नहीं की। उन्होंने की गलबात हुई है ये नहीं असी जानते, लेकिन किसान सांझी किसान संघर्ष कमेटी के टाइम के मुताबिक एक डिसिपलन रसूल शुरू होने तो पहले ही सवेरे कुछ लोगों को ट्रैक्टरों लैके उन्होंने अंसर ने सारी मर्यादा तोड़ के जड़ा रूट तय भी नहीं सी है, जिते जाने का फैसला भी नहीं सी, उस रूट पर जाके बड़ा भारी कह सकते हो इस अंदोलन कुराहे पाउंदा जदों कीता। पुलिस ने भी ज्यादती की थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत मंदेही तो कम लिया उस हालात में उन्होंने। लेकिन जनरली ये जो तत् सन इन्होंने इस गल का नजायज फायदा लैके लगातार ही गलत राह तो गड्डिया गई, राह चौकी करते गए है। लाजमी इस गल के नाल जिथे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है उत्थे नाल पुलिस को भी लाठीचार्ज करन दा कि टीयर गैस चलाउण दा मौका मिलिया, जिहदे नाल इस अंदोलन बारे लोगों की गलत फहमियां पैदा हुई। मैं समझदा कि मोदी सरकार इस हकी अंदोलन जिहड़ा अंदोलन बहुत ही इंसाफ पसंद लोगों का अंदोलन है, इनू बदनाम करने वास्ते पहला इनू वख-वख नां दिते गए, कभी खालिस्तानी अंदोलन आ, कभी नक्सली अंदोलन आ, कभी माओवादी अंदोलन आ, कभी ये पाकिस्तान तो मदद लैंदा आ, कभी टुकड़े टुकड़े गए गया, जो दुनिया दियाँ उन्होंने कर सकते हो प्रचार किया और एजेंसियों नूं बार बार उत्थे बंदे भेज के इस भड़काट पैदा करने का यत्न किया। किसान आगुआ ने बहुत सारे बंदों नूं फड़ के पुलिस के हवाले किया, जिहड़े बंदे कमेटी तो बिना नारे ला रहे सन उन्हां बारे तफ्तीश की है, उन्हां बारे की जानकारी मिली है किसी नूं कोई पता नहीं, लेकिन किसान आगुआ नूं पहलां ज्ञान सी वी इदां दे आंसर आ सकदे आ। और जदों इह भी गल कामयाब नहीं हुई तां फिर उन्होंने इस अंदोलन नूं दे बारे लोगों गलत फहमियां नवे किसान संगठन खड़े किए, जिहड़े बिल्कुल ही कोई किसान संगठन नहीं कदे सुने गए, फायदे पहुँचाउण दी गल तो बहुत देर दी करदे आ, लेकिन इह किसान अंदोलन लगातार चढ़ता जा रहा है, हुण वी चढ़ेगा तां जाएगा जद तक जाएगा। लेकिन जिहड़ा दिल्ली 26 जनवरी नूं जिथे लखां किसान ट्रैक्टरां समेत गए थे जिन्हें शांतमई अंदोलन किया, उन्हां विच्चों कुछ मुठ्ठी भर लोगों ने इस अंदोलन नूं बदनाम कर ले, सरकारी खेड खेडी है। वो सरकार दसे उहदी इनकुआरी करे कि आगुआ ने सवेरे टाइम तोड़िया, कि आगुआ नाल उहदी गलबात हुई सी। पर कमाल की गल यह आ भी कित्थे लाल किला 150 बंदा लाल किले दे विच 2-2.5 घंटे खड़ा रहा, पुलिस बाहर देख रही है तमाशा, तो उत्थे जाके उन्होंने एक झंडा जिहड़ा यूनियन का झंडा ही नहीं है कोई ना कोई, वह पंथ के नाँ पर झंडा चलाता बह के चढ़ रहा, लोग ताड़ियां मार रहे, पुलिस थले खड़ी है। 2 घंटे तो दिल्ली ऐसा जगह पहला इंतजाम जिते होने चाहिए ही लाल किले च, उत्थे कोई ऐसे लोग जाके बदतमीजी पैदा करने का यत्न कर, लोगों के मन गलत फहमी पैदा करने का यत्न कर, सरकार देखती रहे 2 घंटे एक एक किस्म के शंके पैदा करता है।
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਚਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਚੰਦ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ।